क्या हो रहा है शेख जी? बस तुझे लाख बार समझा लिया भाई, जब कोई आनी हो गया था बीच में मत रोका कर, अब आने की भी नहीं है साली। कौन नहीं आने की और किसका इंतजार कर रहे हो? भाई जब तुझे पता मैं डब्बा भर रहा हूँ तो पूछने की क्या बात है इसमें? पता मुझे खेत में जाने की तैयारी है, पर थोड़ी शर्म करो शर्म। अब इसमें शर्म की क्या बात है? जब हमने इज्जत घर बनवा रखा है तो इसमें जाने में शर्म लग रही है? उबा तुझे बता, रुक जाना, बाहर जाने में मर्दों की शान बढ़ती है, रास्ते में दो चार आदमी मिल जा बातचीत होती है बतला लेते हैं। नू क्यों ना बोल रहे हो, औरत देखने को मिल जावा, घर में लैट्रिन बनी हुई है फिर भी खेत में जावा हरामजादी हगने। मैं तुझे एक बात बतला, मैं तू औरत जल रही है या मेरे में शक कर रही है? हाँ हाँ मैं तो पागल हूँ, मैं क्या कुछ जानू, और वो जो रोज नए नए उलाने आवे उन्हें भी तो मैं ही झेलू। अबे क्या उलाना आया बोल। और वो सब्बीर की बहू बोल रही थी कि शेख चिल्ली गली में नाली में मूत्रिया था। अबे एक बात बतला, वो नाली में पेशाब करना भी मना है क्या? मना तो नहीं है, औरतों के सामने ही मूतोगे, ये पागलपंती ठीक है क्या? बोलो बस बोल बाल लिए, कहे तो जाऊँ बाहर बोतल लेके। मेरी तरफ से तो कहीं भी मरो, अब मैं तो किसी की राड़ में जाऊँ नहीं। ठीक है जाऊँ। हाँ जाओ, और सुनो जल्दी आ जाना, घर में राशन भी नहीं है, काम पे भी जाना है। अबे तू बेफिक्र रह, मैं यूं गया यूं आया, बस तू थोड़ा इतना कुछ बना ले। हाँ जाओ, और वहाँ बतलाने मत बैठ जाना, कभी मीटिंग जोड़ लो वहीं। मैं अपना काम कर, सारी की मीटिंग काट दूंगा यहीं। हाँ हाँ जाओ। हाँ सारी मुझे कहती रह, जब भी कहेगी। कुछ भी हो जाए आज काम पे भेज के मानूंगी, पानी और बखेर दिया, मेरी जान को काम और बढ़ा दिया। इस लोंडिया ने मेरी नाक कटवा दी, कमबख्त ने, करमजली ने। सोचा था बड़े घर में ब्याह करूंगी, बड़े घर में जाएगी, पता ना कहां मर गई। मेरी खाला का घर है। अच्छा खाला, अस्सलाम वालेकुम, बैठ जा। खाला जी अस्सलाम वालेकुम, बैठ। खाला ये नपीसा है, नपीसा। बेटा तैने निकाह कर लिया क्या? हाँ खाला। तैने तो हमें बुलाया भी नहीं। खाला मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर लिया है, और इसकी अम्मी नाराज है, और हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक इसकी अम्मी नाराज है। भैया तू यहाँ से चला जा, मेरे बेटा आगा तो नाराज हो जाएगा एक दो दिन में। खाला मैं तो अपनी अम्मी को मना लूंगी, तुम डरो मत, मैं तो अब फोन कर दूँ, वे तो अब मान जाएंगी। नपीसा फोन मिला। ठीक है जी। बेटा मेरी बात भी कर गई अपनी अम्मी से। ठीक है खाला। हाँ। खाला अभी अम्मी फोन उठा नहीं रही है, मैं थोड़ी देर में बात करा दूंगी। ठीक है तो बेटा तू घर में पूजा और पानी वानी पी। ठीक है। इधर आओ। अम्मी का फोन तो सच में लग रहा है, मैं क्या बात करूं अपनी से? चल। देखो चल चल। चलो ठीक है अंदर चलते हैं। हजार बार कह रखी है गैस ले आओ गैस ले आओ, चूल्हे पे थूकू मैं, इसमें आग भी न जलती मेरे से, तो काम भी नहीं करते कहीं, जो थोड़ा सा कमा के गैस ही ला के रख दे, चूल्हे पे मरूं जब भी मरूं मैं। साले बदतमीज, साले साले हैं, साले बिल्कुल जाहिल है, साले साले बदतमीज, बिल्कुल पागल है साले। अब क्या हुआ, अब क्या नया लफड़ा शुरू कर दिया मेरी जान को? वाह लफड़े की बात सुन, मैं साला वहाँ
उसका सबीर का साला मेरा पानी बखेर के चला गया, पानी वगैरह बोतल गुंदाएगा भाग गया। कुछ हुआ भी हमें भी तो बताओ। मैं होता क्या, जैसे मैं खेत में पकाने के लिए बैठा बोतल रख के साला एकदम से मेरे ऊपर धूसा गिरा, वह मेरा पानी भी बिखर गया, मैं तो पकाने भी नहीं कर गया ऐसी भाग गया। तो अलग बैठ जाते। मैं तो एक बात बता, जब बोतल का पानी तो हरामी ने बखेर दिया, मैं पकाना बैठता कैसे बोल। हाय अल्लाह, मैं कहाँ जाके मर जाऊँ, इस आदमी ने तो मुझे पूरा परेशान कर दिया। जब घर में लैटरिन है तो घर में चले जाओ करने, बाहर जाने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है अब नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है अब जाओ, काम पे भी जाना है। ठीक है। अम्मी का फोन तो लग रहा है, मैंने तो खाला की वजह से मना कर दी ही। मिला तो फिर फोन मिला। अच्छा बात कर। अब कौन मर गया, किसका आ गया फोन? हेलो अम्मी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। करमजली, जब तुझे पता है मैं तुझसे नाराज हूँ तो फोन क्यों कर रही है मेरे पास? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। देख नफीसा, तू तो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने भाग के और अपनी पसंद से शादी की थी। मगर अम्मी, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। क्या दिखाएगी? अरे मैं तो तेरी शादी बड़े धूमधाम से करती, जहाँ नौकर चाकर गाड़ी बंगले सब कुछ होता। करम जली, मौज से रहती तो मौज से। वही तो अम्मी, हमारे तो गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर सब चीज है, कोठी हवेली। और हाँ अम्मी, इकबाल बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, और एनडीजे कंपनी का मालिक है, मालिक जिसमें हरियाणा के हिट सॉन्ग आते हैं अम्मी, और शेख चिल्ली की फिल्में आती है फिल्में। हाँ जो रुक। हाँ अम्मी हाँ, कंपनी का मालिक है मालिक, मैं तो राज कर रही हूँ राज। तो सच बोल रही है मेरी लाली? हाँ अम्मी, तुम्हारी दुआ से पूरी मौज है मौज, तुम आके देखना किसी दिन। ठीक है मुझे पता बता, लोकेशन भेज दे, मैं आती हूँ देखती हूँ तू झूठ बोल रही है या सच। अच्छा अम्मी, तुम खुश हो गई? कब आओगी अम्मी? अरे मेरी बिटिया, मैं आज ही आ रही हूँ, मैं तुझे वहीं आके बताऊंगी मैं कितनी खुश हूँ, बस तू पता भेज दे। कह दे एक दो दिन में आ जाएगी, एक दो दिन में, कलवल को आ जाएगी कलवल को। अरे ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम? नहीं 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 अम्मी, कुछ नहीं, ये यूं कह रहे हैं कि कल आ जाना कल। क्यों, आज क्या बात है? तेरे कोठी बंगले में मेरे लिए जगह ना है? और ये कौन बोल रहा पीछे? अरे अम्मी आपने कल आ जाना कल। ठीक है अम्मी, हाँ कल आ जाना। ठीक है मैं कल आती हूँ। और सुन, अपने नौकर पे मेरे लिए पान मंगा लियो, मेरे से पान के बगैर नहीं रहा जाता। ठीक है अम्मी, मंगवा लूंगी पान, पान की क्या बात है, नौकर है तो लाने को, सब मंगवा लूंगी। अच्छा मैं कल आती हूँ, अगर तेरी बात सही हुई तो मैं ये समझूंगी कि मेरी बेटी से अकलमंद दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ अरे मैं तो तुझे मूर्ख मान रही थी मेरी लाडो, पर तू तो बहुत अकलमंद निकली मेरी बच्ची। ठीक है अम्मी आ जाना। और सुन, मुझे तुम सबसे मिलके वापस आ जाना है शाम को ही। क्यों अम्मी, एक दो रोज तो रुक के जाना। अरे नहीं मेरी बच्ची, बेटी के घर रुकना अच्छा नहीं लगता। ठीक है अम्मी, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है बेटा। सुनो जी, अब अम्मी आ रही हैं, अब क्या होगा? नफीसा, तुझे क्या जरूरत थी इतना उलट सुलट बोलने की? अब बोल दिया तो मैं क्या करूं? अब मैं ये सब इकट्ठा कहां से करूंगा, कहां से लाऊंगा ये सब, तुमने इतना बोल दिया। वो जो पड़ोस वाली बाजी है उनकी कोठी और कार दिखा देंगे, तुम बस नौकर का इंतजाम कर लो। तू इंतजाम कर और मैं नौकर को देख के आ रहा हूँ। शुरू हो गई तुक्का बजीती। खाला सलाम अलैकुम। तुक्का बजीती। खाला मैं अभी आ रहा हूँ।
तुक्का बजी थी। ये अम्मी को भी इतनी जल्दी पड़ी थी आने की। पता नहीं बाजी होएंगी या नहीं। पता नहीं बाजी घर पे है या नहीं। अल्लाह करे बाजी मेरी बात मान जाए। ये अम्मी ने भी मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, इतनी जल्दी मान गई। देखती हूँ कहाँ है, अंदर दिख तो नहीं रही। बाजी मैं हूँ नफीसा। नफीसा तुम, क्या हो गया? हाँ बाजी, होता क्या, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर दो। मेरी अम्मी आ रही है घर से और मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मैं बहुत बड़े घर में रहती हूँ। तुम अपना किराया ले लेना, हमें अपना घर दे दो, दो दिन के लिए। दो दिन के लिए दूंगी लेकिन पूरे महीने का किराया लूंगी। ठीक है बाजी, ले लेना। और दो दिन के लिए दूंगी, तीसरे दिन मेरा घर वाला आ जाएगा। ठीक है बाजी, तो उन्हें लेके आ जाओ। हाँ हाँ ले आओ। ठीक है बाजी। ठीक है। खाला कहाँ गई? मेरी बेटी ने तो बड़ा अच्छा काम किया। नफीसा के घर अच्छे अच्छे पान खाऊंगी। अच्छे अच्छे पान और गुलकंद लगा के पान खाऊंगी। अरे उसके नौकरों से मंगवा लिया करूंगी। नौकर बता रही है मेरी बच्ची, नौकर चाकर इतना बड़ा घर। उसके अब्बू साउदी ना होते तो मैं तो उन्हें भी लेकर चलती, बहुत खुश होते। चलो कोई बात नहीं, मैं ही देख लेती हूँ पहले चल के। पता नहीं ये इकबाल आए या नहीं आए, बहुत देर हो गई। फोन मिलाती हूँ नफीसा को। घंटी तो जा रही है। हेलो हेलो। हाँ अम्मी, तुम आ रही हो सही में? सही में? अरे मैं तो चल पड़ी आधा घंटे में तेरे पास बस। और सुन मेरी लाली, पान मंगा कर रखियो। अच्छा हाँ, कार करके आऊंगी, कार से आऊंगी, बस कपड़े बदले और तेरे घर। ठीक है अम्मी, आ जाओ तुम। मुझे लगता है तुम्हें नौकर मिला नहीं और अम्मी आने वाली है, क्या हुआ? नफीसा हाँ? नौकर तो कोई नहीं मिला। हुँ? अम्मी से कह दे दो चार दिन में आ जाएगी, जब तक कोई नौकर भी मिल जाएगा। आए हाय, मगर जी अम्मी तो अब निकल पड़ी। अरे फोन करके बोल दो चार दिन में आ जाएगी। दो चार दिन बाद तो बाजी का पति आ जाएगा, उन्होंने सिर्फ दो दिन के लिए कोठी हमें दी है। अल्लाह अब क्या करूँ मैं, सारा प्लान चौपट कर दिया। चलो बाजी के पास चलते हैं, वहीं कोई तरकीब लगाते हैं। ठीक है ठीक है, चलो। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। बाबा किसका लौंडा है? बाबा बा यासीन का बा, सुबह सुबह साइकिल चला जा। देखो जी मैं एक दो दिन तक ही बर्दाश्त कर सकती हूँ, एक दो दिन में मेरा जाएगा घर वाला, किराया लूंगी पूरे महीने का। ठीक है बाजी, हम पूरे महीने का किराया दे देंगे। बाजी की बात तो ठीक है, मगर तूने नौकर की बात क्यों बोल दी? अब मैं नौकर कहाँ से लाऊंगा? जरूरी नहीं आदमी नौकर से ही बड़ा दिखता है, बगैर नौकर के भी आदमी बहुत बड़ा होता है। वो बात तो सही है, मगर इसने अपनी अम्मी से बता दिया है कि हमारे नौकर भी हैं, अब एक नौकर तो चाहिए, वरना अम्मी सोचेगी सारे ही भगा दिए। हाँ बाजी, एक नौकर तो बुला ही दो, दो दिन के लिए। मेरा तो एक ही नौकर था और वो भी उनके साथ गया है, अपना नौकर देख लो। जाओ तो सही बोल के लाना, दो दिन के लिए, तनख्वाह चाहे पूरे महीने की ले ले। ठीक है तो
मैं जाऊँ, लाता हूँ कोई नौकर देख के। ठीक है, जल्दी चले जाओ वरना अम्मी आने वाली है। पता ना काम मिलेगा ना मिलेगा, रोज की वापिस आ जाऊँ। हाँ पता नहीं काम मिलेगा ना मिले। ओबे बार रोज की साइकिल चलाने का धंधा है तेरा, साले तुड़वा का हाथ पाँव। ओबे ओबे आज तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कोई काम मिल गया क्या? अरे भाई कैसे बैठा? आए है कैसे बैठा? जो भी आवा यही पूछा कैसे बैठा। ए ऐसे बैठा, ए ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ। काम की कोई बात करता नहीं, कैसे बैठा? सब चले गए, काम की कोई बात नहीं करता भाई। भाई एक दो दिन काम कर लेगा घर में? मैं तो 6 दिन कर लूंगा काम के लिए बैठा हूँ। एक दिन करवा, 2 दिन करवा, 4 दिन करवा, काम क्या है ये बता पहले। काम कुछ नहीं। काम कुछ नहीं, नहीं सिर्फ नौकर की एक्टिंग करनी। नौकर की एक्टिंग करनी है? हाँ। तू मुझे एक्टर मान रहा? एक्टर हूँ मैं, मैं अपना काम कर। पैसे दूंगा? पैसे देगा? हाँ। पैसे लूंगा। हाँ एक बात सुन ले। हाँ। दाढ़ी पूरी लूंगा भाई, तनख्वाह पूरी दूंगा, पर रात को भी वहीं रहना पड़ेगा। आए है, रात को रुखसत नहीं भी करनी रहता भाई मैं। ये देखो भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं रात को नहीं रहूं। 2 दिन लगो, 4 दिन लगो, तुम्हारे पैसे दूंगा। ओ भाई देख भाई एक बात सुन ले, काम करवा मत करवा, दिन दिन काम करूंगा, रात को बिल्कुल नहीं करूँ। एक दो दिन की तो बात है। भाई एक दो दिन की बात, चल चल ऐसा, मैं रुखसत भी करनी रहूं। जा जा अपने घर जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। रात को है रहा, मैं रुसाने भी कर रहा हूँ, मैं साल घर को जा रहा हूँ। हाँ तो ले। बाजी। हाँ बाजी, नौकर का इंतजाम तो हुआ नहीं? प्लान तो मैं बता दूंगी, पर तुम दोनों मेरी मानोगे नहीं। बताओ बाजी, जल्दी बताओ क्या प्लान है। क्यों जी? तुम्हारी अम्मी अभी आएगी ना, और शाम को जाने को बोल रही है। हाँ बाजी, अम्मी रुकने वाली नहीं है, शाम तक ही चली जाएंगी। नफीसा, तुम्हारी अम्मी ने इकबाल को तो नहीं देखा अभी? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं जानती, बस एक दिन फोन पे बात हुई थी थोड़ी सी, उन्होंने मुझे गाली दे, मैंने फोन काट दिया। बस तो तुम आज आज के लिए नफीसा के नौकर बन जाओ। क्या बाजी? क्या बाजी, तुमने बिल्कुल सही बताया। नफीसा तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं नौकर बन के रहूंगा यहाँ। इसमें बुराई की क्या बात है, थोड़ा सी तो काम करना पड़ेगा, शाम तक की बात है, फिर सब सही। ठीक है, मैं तो तेरे लिए नौकर भी बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये दूल्हा बने क्यों बैठे हो? बाजी इन्हें नौकरों वाले कपड़े दे दो, और मैं भी मालकिन सी बन जाती हूँ। चलो चलो चलो, अपना काम करो, 2 दिन के लिए कोठी और 1 महीने का किराया लूंगी। चलो अब नौकर बनो। इस नफीसा ने झूठ बोल के मुझे मुसीबत में डाल दिया ना, नौकर बनना पड़ेगा। नौकर अब लेट गए, उठो शेख जी, ये लो खाना और काम पे जाओ। रुखसाना। हाँ। तुझे पता एक आदमी मिला था, वो काम बतला रहा था मुझे। तो क्या काम बता रहा था, कर लेते। मैं रुखसाना बोल रहा था, नू कह रहा था घर का नौकर बनना, और 2 दिन का काम बता रहा था, 8 दिन के पैसे देने कह रहा था। शेख जी तुमने हाँ क्यों नहीं की? मैं रुक जाना, मगर वो अपने घर पर रखता मुझे। कोई बात नहीं है, 2 दिन में तो आ ही जाते। हाँ अगर मैं वहाँ काम कर लेता तो ठीक रहता। ये सही है, तूने भी बताई है, मगर रुक जाना, तू मेरे बगैर कैसे रहती? शेख जी मेरी छोड़ो, तुम्हें पता है जो विदेश में रहते हैं, फौज में रहते हैं, उनकी भी तो औरतें रहती हैं। मेरी छोड़ो, पहले काम है। ओवे हाँ। रुक जाना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जाओ अगर वो फेर मिले तो कर लेना,
ठीक है अब तूने कह दिया तो कर लूंगा। ठीक है रोजाना चलूँ मैं। हाँ, हाँ। और सुनो उसे ढूंढ लेना काम वाले को। हाँ ढूंढ लूंगा दो दिन के 8 दिन के पैसे देगा। हाँ ठीक है तो जाके पहले उसे ढूंढूंगा मैं। ठीक है बाजी। हाँ बाजी मेरी इज्जत रख लो, बस आज आज के लिए नौकरानी बन जाओ। ये क्या कह रही है तू? मेरी अम्मी आ गई बाजी। बाजी बुरा मत मानो, बन जाओ ना। किराया पूरे 1 महीने का लूंगी। हाँ बाजी ठीक है, 1 महीने का ही किराया दूंगी। हाँ ठीक है जा जा। ठीक है बाजी। काम कर लो ढंग से, काम करना भी नहीं आता कुछ सीख लो, अम्मी आने वाली हैं। अरे वाह तू तो वाकई मालकिन सी लग रही है, आजा। दूर रहो, नौकर हो तुम नौकर। ठीक है भैया ठीक है जाओ। यही लगता है मेरी लाली का घर, यही तो पता बताया था। अम्मी आ गई, जाओ चले जाओ दरवाजा खोल के आओ। जाता हूँ। आया ही नहीं कोई अब तक। हाँ जी कौन है आप? मैं इस घर के मालकिन की अम्मी हूँ। अम्मी? अच्छा अच्छा अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तुक्का। तुक्का ये कैसा नाम है? अजी घर वालों ने रख दिया, उनका तुक्का लग गया, अब मेरा तुक्का कभी लगे कभी नहीं लगता। चलो चलो अंदर चलो, सामान उठाओ ये। आ जाओ चलो। आ जाओ जी आ जाओ, आराम आराम से आ जाओ। आओ आ जाओ। आ तो रही हो नास पीटे। ओ, इतना बड़ा घर, सुभान अल्लाह। पंखे भी अलग डिजाइन के हैं। आ जाओ हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे मेरी लाली, मेरी बच्ची, नफीसा, मेरी प्यारी अम्मी। तो रानी लग रही है मेरी बेटी। अम्मी आज बैठ जाओ। अम्मी चल 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 चल। अरे वाह इतना सुंदर महल है महल। कहाँ से एक चिल्ली के बच्चे, बाहर निकल। क्या बात हो गई भाईजान, कैसे लाल पीले हो रहे हो? वो तो काम के लिए गए हैं। शेख चिल्ली ने मेरे लड़के को मारा, शरम आनी चाहिए शरम, वो तो बच्चा था बच्चा। मगर वो तो मना कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लड़के ने ही उनका पानी बखेर दिया, पखाना भी नहीं करने दिया। अरे वो तो बच्चा था। बच्चा था तो कोई छोटा थोड़ी था, जानता तो हो गई, अपनी गलती कोई मानता नहीं, मेरे शेख जी को कहने लगते है। बालक तो बालक है, बालकों के साथ मारपीट करेगा, समझा देना उसे। ठीक है मैं कह दूंगी, आप जाओ, इतने दिनों में तो काम की तलाश में गए हैं। मैं तो समझा रहा था, मैं कोई लड़ने थोड़ी आया हूँ। ठीक है जाओ। पता नहीं सब मेरे शेख जी के पीछे ही पड़े रहें। या अल्लाह मेरे शेख जी का कोई ऐसा काम लगा दे जो मेरे शेख जी काम में ही लगे रहें, यहाँ आए ना। आए है नफीसा, इतना बड़ा घर, नौकर नौकरानी। अरे मेरी बिटिया तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तो इकबाल को बुला के तेरा घर से ही निकाह करवा देती। अम्मी मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे ये सब कहने की। अरे ये तो मेरा सपना था, ऊपर वाले ने मेरी नफीसा को कितना दिया है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ठीक है अम्मी तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अरे तू लाएगी? और ये तुक्का ये फ्री की तनख्वाह लेगा, और वो नौकरानी। तुक्का? कौन तुक्का? हमारे कोई तुक्का नहीं अम्मी। हैं? मगर ये नाज पिटा तो अपना नाम तुक्का बता रिया था। हाँ हाँ मैं
तुक्का हूँ, तुक्का तुक्का। हाँ हाँ अम्मी, इनका नाम, इसका नाम तुक्का है, तुक्का, और इसकी घरवाली का नाम फजीती है। फजीती किराया पूरा एक महीने का लूंगी। ये क्या कह रही है बिटिया? अम्मी कुछ नहीं, ये तो अपनी तनख्वाह मांग रही, तनख्वाह, इसे किराया देना है अपने घर का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मिल जाएगी। अब हमारे सर पे चढ़ के बैठोगे हैं? जाओ अपना काम करो, साफ सफाई करो, खाना बनाओ, जाओ जल्दी। हाँ हाँ फजीती, जाओ अम्मी के लिए कुछ खाने को बना दो, जाओ जाओ। तुक्का तुम भी जाओ, गाड़ी साफ कर लो जाके, चलो काम करो अपना, जाओ जाओ। अरे नौकरों को इतना सर पे न चढ़ाया करते, तो कह के बुलाते हैं, तो कह के, समझ गई? ठीक है समझ गई। पर बिटिया, हामी, वो मेरा लाडला दामाद इकबाल नजर नहीं आ रहा, शर्मा रहा क्या मेरे आने से, मेरे सामने नहीं आ रहा क्या, क्या बात हो गई? हाँ हामी, तुक्का फजीती इधर आओ। हाँ मैम साहब। बोलते हाँ मालकिन। अरे खड़ी हो, मालिकों के ही सामने सोफे पे बैठेगी हैं? नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है, तेरे मुंह पे ऐसा लपाटा मारूंगी, खड़ी रह आराम से। एक काम करो तुक्का, साहब को फोन लगाओ, पूछो कब आएंगे। मालकिन तुम भी बिल्कुल भूल जाती हो, मालिक तो दो दिन बाद आएंगे। हाँ 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 अम्मी, मैं तो भूल गई थी, वो दो दिन बाद आएंगे। क्या दो दिन बाद आएगा मेरा दामाद? मैं तो सोच रही थी दामाद से मिल के ही जाती, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लूंगी। तो तुम दो चार दिन बाद आ जाना। हाँ अम्मी, मालकिन अजीती ठीक कह रही है, तुम दो चार दिन बाद आ जाना। किराया पूरा एक महीने का ही लूंगी। ये क्या कह रही है बिटिया? वो तनख्वाह को कह रही है, तनख्वाह। हाँ ठीक है जाओ, सलामत दो, अपना काम करो। मगर बेटी अपने इस तुक्का से मेरे पान तो मंगवा दे। अम्मी पान तो मैंने मंगवा लिए, लेकिन तुम चार दिन बाद आ जाना, वरना वे कहेंगे अम्मी से नहीं मिलवाया मुझे, कुछ खाओ तो बनवा दूँ फजीती से। अरे नहीं मेरी लाली, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम मेरे पान मंगवा दे, मैं तो चलूँ बस। ठीक है अम्मी, मैं पान लेके आती हूँ। हाँ हाँ, अगर मैं दो दिन यहीं रुक जाऊं तो मेरा दामाद भी मिल जाएगा। हाँ मैं अपने दामाद को देखकर ही जाऊंगी, ये ठीक रहेगा। अब ये पता नहीं क्या सोच रही है। अम्मी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं सोच रही थी बेटा कि घर जाकर ही क्या करूंगी, दो दिन बाद दामाद तो आ ही रहे हैं, उनसे मिल के ही चली जाऊंगी। तुझे क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं अम्मी। अम्मी तुम ये पान खाओ। तुक्का। हाँ मालकिन। फोन लग गया साहब का, तीन दिन बाद आएंगे ना वो। हाँ मालकिन, साहब से बात हो गई, आठ दिन बाद आएंगे, आठ दिन बाद। अच्छा अम्मी। क्या आठ दिन बाद? हाँ हाँ अम्मी, वो तो आठ दिन बाद आएंगे। तो ऐसे क्या पूरा एक महीने का इरादा है? दो दिन की बात हो ये, दो दिन की। प्लीज। अरे लाले क्या कह रही है ये? कुछ नहीं अम्मी, ये तनख्वाह मांग रही है, तनख्वाह। अम्मी मैं तो कह रही थी वो तो चार दिन में आएंगे, ये तो पागल है, बेअकल है। अरे तू मुझे अकल काहे को बता रही है? मेरा दामाद चाहे एक दिन में आओ, चाहे आठ दिन में आओ, या एक महीने में आओ, मैं तो उससे मिल के ही जाऊंगी। अम्मी मैं तो इसलिए कह रही थी, बेटी के यहाँ का तुम खाना पीना तो खाओगी नहीं, तुम भूख की कैसे रहोगी फिर? अरे मेरी लाली, जब दामाद से मिलने वाली बात है तो मुझे बेटी के यहाँ की रोटी खाने में क्या परहेज है? ठीक है खूब रहो। ठीक है तुका, और यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? और सुन, और तू इस चपड़ गंजू को खड़े खड़े क्या कर रहे हो, यूँ क्यों बोल रही है? यूँ बोल कि यहाँ खड़ा होके क्या कर रहा है, जाओ यहाँ से, अपना काम धंधा देखो। ठीक है जाओ जाओ जाओ। मालिकों के बीच में नौकरों को बोलना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से।
तो इन्हें सिर पर चढ़ा रखे हैं ये नौकर। इन्हें ढंग से बोला कर, ढंग से, ऐसे जैसे मैंने बताया, समझी? ठीक है अम्मी। भाईजान, काम मिलेगा तुम्हारे यहाँ? काम मिलेगा? काम है? काम नहीं है। नहीं है? नहीं। बाबूजी। हाँ जी। आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। नमस्ते जी। बाबूजी, हमें आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? ना भैया, कोई काम नहीं है। घर पे काम था, वो सारा करवा लिया, और कहीं देख लो भाई। भैया बुला अपनी बीवी को, मेर से तो 2 दिन की बात हुई थी, तीसरे दिन मेरा पति आ जाएगा। मुझे तो तुम्हारा ड्रामा ही ना समझ में आ रहा। अरे नफीसा, जरा यहाँ आना। हाँ जी, बोलो। अब क्या होगा, तेरी अम्मी तो यहाँ से जाने वाली नहीं, अब लादे से इकबाल। बाजी ने तो तुम्हें भी नौकर बना के फंसा दिया, वरना इतनी परेशानी ना होती। ए, तुम जो हो वो तो तुम हो, तुमने तो मुझे भी नौकरानी बना दिया और इकबाल की घरवाली बना दिया और नाम रख दिया फजीती। या अल्लाह, अम्मी को जाने की कुछ तरकीब बता दे। छोड़ पर है, अब अम्मी को सब सच सच बता दे। नहीं, अम्मी को सब बता दिया तो उनका हम पे से विश्वास उठ जाएगा, जैसे तैसे तो मानिए, फिर कभी हमारे घर नहीं आने की। ऐसा करो, किसी को नकली पति बना लो, 2-4 दिन के पैसे दे दियो, अम्मी चली जाएगी, भगा दियो से। नहीं नहीं बाजी, नहीं, नकली इकबाल नहीं बनाऊंगी मैं। अरे मान ले, बाजी ठीक कह रही हैं। फिर अम्मी चली जाएगी, नौकर को भगा देंगे, हम दोनों फिर पति पत्नी, कलेश खत्म। बाजी अब कैसे होगा, तुम ही कुछ करवाओ। कैसे भी हो, किराया पूरा 1 महीने का ही लूंगी। चलो मैं चलती हूँ। ले लेना। चलो जी। चलो चलो। आए हाय, मैं तो पागल हो गई। मेरे तो पैरों में भी दर्द हो गया, कम्बख्त कोई भी मेरे तो मिल। दर्द हो गया पैरों में। चाय मंगा लो जी, 1 कप, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ठीक है, मंगा लेता हूँ। है जी, क्या करें, मेरा तो बहुत दिमाग खराब है, अम्मी ने हमारी जान को मुसीबत कर दी, मुसीबत। मेरा भी एक जानने वाला था, वो भी ना मिला। अब यू पति कहाँ से लेके आए इकबाल? तूने फंसवाए हैं, मैंने तुझे मना की थी। आए हाय। अरे नफीसा, देख वो मुल्ला जी आ रहा है ना, मैंने उससे बात करी थी, लेकिन उसने रात को रुकने को मना कर दिया था। मैं उससे फिर से पूछता हूँ बुला के। ठीक है। अरे मुल्ला जी, इधर आ यहाँ। हाँ भाईजान। अरे भाई मुल्ला जी, काम करोगे? हाँ भाईजान, काम के लिए तो आया हूँ, कर लूंगा। बोलो क्या काम है? एक्टिंग करनी है बस, पूरे महीने की तनख्वाह लेके अपने घर चला जाइए। देखो, तुम 2 दिन में मेरी सासू माँ को ऐसा दिखा दो पक्का करके कि तुम ही उसके दामाद इकबाल हो, और 2 दिन में वो रफू चक्कर हो जाए। मैं बहुत परेशान। हाँ। अच्छा, सासू माँ को भगाना है? हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी अम्मी को भगा दो बस किसी तरीके से। ठीक है, चलो तो चलो, आओ। नहीं नहीं, अभी नहीं, तुम बाद में आना, अच्छी तरीके से बैग वैग लेके, कपड़े वपड़े अच्छे पहन के, चश्मा वश्मा लगा के, ताकि मेरी अम्मी को लगे हाँ यही घर का मालिक है। बढ़िया तरीके से आना मेरा पति बन के, और खर्चा जितना भी लगेगा हम लगा देंगे, खर्चे की चिंता मत करना। बैग वैग लेके आना बढ़िया करके। मगर भाई जान, ऐसे नहीं जाने वाला। एक बात सुन लो, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अबे पैसे निकाल। और ये बोल कैसे रहा है तू? मैं तो मेरी घरवाली नहीं है। क्यों, अभी से ही मान रहा है? ओहो, अबे मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस, एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस कर रहा है जी, ये तो कर लेगा। लाओ पैसे दे दो। आओ तो अच्छी तरीके से आना, बन ठन के को
कोट वोट पहन के बैग वैग लेके चश्मा वश्मा लगा के आना रात। मेरी अम्मी को पूरा यकीन हो जाना चाहिए। यकीन कर दूंगा तेरी अम्मी को तुझे भी। और पैसे घरवाली के लिए दो एडवांस, पूरे महीने के दे दो। दे दे चल। अच्छा लो, अच्छी तरीके से आना। अम्मी को पूरा यकीन हो जाना चाहिए कि तुम ही उनके दामाद हो इकबाल। हाँ ठीक है एक्टिंग कर दूंगा। अपनी सेटिंग जल्दी कर लो, कोठी दो दिन के लिए ही है, किराया पूरा एक महीने का ही लूंगी। इसमें पूरा पता लिख रहा है, इसी पते पे आ जाना। इसमें पूरा पता लिख रहा? हाँ ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जान छूट गई, राहत मिली। तुम्हें पता है बाजी, आज मेरे शेख जी काम पे गए हैं। अच्छा, क्या हुआ शेख जी, उल्टी आ गए काम पे से? क्या बात हो गई? बैठ पासबुक बैठ दे, बताओ। बार उधर ना, वही तो बतला रहा हूँ। काम मिला और वही मिल गया जैसा बतला रहा था। अच्छा हाँ, मगर रुखसाना बात ये है कि आपका डिपार्टमेंट बदल गया है। डिपार्टमेंट बदल गया, मगर कैसे शेख जी, अब नौकर नहीं रहोगे? नहीं रुखसाना, अब जो है मुझे नकली पति की एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्या नकली पति की? हाँ रुखसाना, नकली पति की। अब मुझे नकली पति की एक्टिंग करनी पड़ेगी उसके घर में। उसने मुझे सब समझा दिया कैसे कैसे करना। हमें नहीं करवानी ऐसी एक्टिंग। तुम क्या हीरो हो, एक्टर बनने के चक्कर में लग रहे हो? अबे तो क्या तू मेरी जुबान को झूठी करवावेगी रुखसाना? तुझे पता मैं जुबान करी आया, और मैं जुबान झूठी नहीं करूँ। उससे तो पैसे लिया एडवांस में। ये देख पैसे लिया एडवांस में, 1, 2, 3, 5 के जान। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम जाओगे नहीं। मैं रुखसाना, मैं तो बिल्कुल पगली तो ना है। तुझे पता जन कैसे कैसे तो काम मिला। ठीक है काम करो, पर शाम को रोज घर आना। मैं रुखसाना, बस वो तो 3-4 दिन की बात कर रहे हैं और पूरे महीने के पैसे दे दिए। शेख जी मगर आप उससे दूर दूर रहना। बार उसे ना देख, पति वाली एक्टिंग तो मुझे करनी पड़ेगी, और वो मेरे पास आती भी है। रहने दो, मुझे ना चाहिए ऐसी नौकरी। बे डर मत रुक जाना, मैं इतना पागल नहीं हूँ। जाओ मगर 2 दिन के लिए। 1 महीने की तनख्वाह दे दी उसने मुझे पहले ही। ए ये ले, एक बात सुन, अगर तुझे विश्वास ना हो। हाँ। उसने पता लिख के दिया अपने घर का, एक पर्ची तू रख। अच्छा ठीक है, ठीक है अब तू ये रख। 2 दिन का बतला दिया काम, 2 दिन से फालतू मैं करूँ भी नहीं। ठीक है, लेट इवन भी रख। ठीक है तो मैं चलूं। जाओ। अरे हाय, ये सारे के सारे नौकर कहां मर गए? अरे नफीसा, बेटे नफीसा, अरे कहाँ है? हामी, अरे तेरे वे तुक्का फजी थी कहाँ मर गए? अच्छा बुलाओ ना। जी अम्मी, तुक्का फजी थी। हाँ मालकिन। अरे यहाँ आओ। हाँ मालकिन। मालकिन के बच्चे, फ्री की रोटी तोड़ रहे हो, मेरे जमाई का माल डकार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो काम खूब करूं और करवाने को भी बोलूं, यो ही ना करता तुक्का। हाँ हाँ सुन ले। और तुक्का तू मेरे नहाने का पानी गरम कर, और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मेरे लिए तेल गरम करके ला, मेरी मालिश कर, पैरों में दर्द हो रहा है बहुत।
मालकिन नफीसा जी, मैं बोलूं? साहब बोल रहे थे फोन पे कि छुट्टी मिल गई है, साहब आने वाले हैं। क्या मेरा दामाद आने वाला है? या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, अब तो मैं अपने दामाद से मिलके तुरंत निकल जाऊंगी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अम्मी जाने को तो तैयार हुई कम से कम। क्या तुम लोग खुश नहीं हो मेरे दामाद की सुन के? नहीं नहीं अम्मी, ये तो खुश हैं, ये तो बहुत खुश हैं अम्मी। आने ही वाले हैं वो भी बस। इधर आओ। देखो नफीसा, मेरा घर खाली कर दो, मेरा पति आने वाला है, सुनेगा तो मुझे मारेगा। मैंने अच्छी भलाई ली, तुमने तो मुझे ही नौकरानी बना दिया। बाजी मैं क्या करूं, हम तो गलत फंस गए। मैंने तो इसे मना किया था झूठ बोलने को, अब पता नहीं क्या होगा। ए तुम लोग क्या खुसर खुसर कर रहे हो, मेरा दामाद इकबाल आ नहीं रहा क्या? आजो जल्दी। नहीं नहीं अम्मी, आ रहे हैं वो तो, अभी आने ही वाले हैं बस। अच्छा अच्छा आ गए आ गए। नौकरी जरा मैं जरा मालिक बैग ले रहा, तू रामजादा बदतमीज, नौकरी की औकात मरे। लाओ जी लाओ, यूं भी दो। मैं बिल्कुल बदतमीज जरा, नौकरानी हो गई, यहाँ खड़ी है। क्यों क्यों मालिक, क्यों 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 मालिक, आई मैं शर्म नहीं आती तुम्हें? मालिकों के साथ चौंसो चौंसो मिला के बात कर रही है, बर्तन चौका छोड़ के है? बर्तन चौका बस की नहीं है, तुम्हारे काम करना बस की नहीं है, भागो हाथ से। आए हाय तुम तो अब तो ही बरस गए। आए हाय बर्तन बता रही है बदतमीज से, नौकरों से चौंसो चौंसो मिला के बात कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? और ये बुढ़िया कौन है? आए हाय ये अम्मी है, अम्मी तुम्हारी सासू। ओहो तो सासू माँ बिल्कुल बेस्ट, सुंदर ब्यूटीफुल बेस्ट परी। बस बस बेटा और शब्द मत बोल, मैं तो तुझसे मिलने आई थी, वरना मैं तो चली जाती। और तुम्हें छुट्टी मिल गई? छुट्टी कैसी, मुझे छुट्टी का क्या मतलब, मैं अपनी मर्जी का मालिक है, शेख चिल्ली अपनी मर्जी का मालिक है। शेख चिल्ली? मगर नफीसा तो इकबाल बता रही है। क्या इकबाल? हाँ हाँ अम्मी, इनका नाम शेखू इकबाल है, शेखू इकबाल। हाँ 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 हाँ, हमारा नाम शेखू इकबाल है और हमें लोग प्यार से शेखू बोलते हैं। तुम मुझे प्यार से शेखू बुला सकती हो अम्मी? भाई इधर आइए। हाँ जी इधर इधर सामान गाड़ी में, इतना बाप का रहेगा और तू घड़ी घड़ी मेरा मुंह देख रही है, हैं? तू जल चाय बना के ला, एक कप चाय बना के ला, बढ़िया चाय बना के ला, हैं? मेरा खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हैं दोनों नौकर, और तू यहाँ खड़ी है, चल अंदर चल, अंदर चल, हम थके हुए हैं, हमारे पैर दबाना थोड़ी देर, हम आराम करेंगे, चलो अंदर। हाँ हाँ बेटा, दामाद की खातर पानी करो, इतनी दूर से चल के आया है, थक गया होगा। हाँ अभी ठीक बोलिए, चल अंदर चल। चलो थुक्का, फजीती, तुम्हारे से चाय नहीं बनी, 10 घंटे हो गए, वो तुम्हारा बाप आके फिर मारेगा। चाय की बच्ची, अम्मी जाएगी ना जाएगी? तुम्हारा ड्रामा, मेरी क्या गलती, बदतमीजी और कर रहा हराम का बच्चा। बाजी बस माफ कर दो, आज आज की बात है, कल सुबह तो अम्मी चली जाएंगी। पूरी बदतमीजी कर रहा, मार और रहा हमें। ओ भाई क्या बुरा मान गए, क्या बुरा मान के तो जाऊं, मैं तो चला जाऊंगा भैया। ना ना शेख जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो और मार लो, हम बुरा नहीं मानने के, अब तो हम बदल के भी नहीं ला सकते। मेरा काम समझ में नहीं आ रहा, मैं काम ठीक नहीं कर रहा। खाक ठीक कर रहा है, मैं तो पूरे एक महीने का किराया लूंगी। नहीं नहीं भाई, काम तो तू ठीक कर रहा, पर तू ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करे, तन्ने तुम्हारी मालकिन को भी नहीं बख्शा। नहीं बख्शा, बख्शा क्या, एक बात सुनिए, क्या तुम्हारी अम्मी के सामने मालकिन मानो,
या नौकरानी बता। अरे तुमने तो फिर मजमा लगा लिया, मेरा शेखू मेरा दामाद थका हुआ है, चलो चलो बाहर चलो। तू तो पैर दबाने को कह रही थी। हाँ हाँ आजा सेख जी मैं पैर दबाती हूँ। अरे सेख जी यहाँ बैठ जाओ। कहाँ जा रहा है बेटा, पैर दबवा चल। अच्छा अच्छा यहाँ बैठो, आजो बैठ जाओ, चल पैर दबा। दबाओ पैर दबाओ। ठीक है अम्मी जाओ। पैर दबा पैर दबा। तू तो बहुत बदतमीज है, हमने तुझसे यू एक्टिंग करने को कब बोला? अबे ओए एक बार सुन ले, देख मैं पति की एक्टिंग कर रहा हूँ, अब पति ना बनूं और क्या नौकर बन जाऊं? तो अब मैं तेरे पैर दबाऊंगी। मैं और क्या मैं दबाऊं? बोलूं तेरी अम्मी से जाके? नहीं नहीं मैं तो दबा ही रही हूँ तुम्हारे पैर, तुम तो बहुत अच्छे हो। हाँ पैर ही दबा रही हूँ। संभवत को कहाँ से पकड़ के ले आया एक बार, मुझे तो जिंदगी नरक बना दी सर। कभी कुवाल के पैर को दबाए ना और इसके दबाने पड़ रहे है, कितना बुरा सा। हाँ हाँ दवाई रही हूँ। हराम ज्यादा है, कितना बुरा सा ड्राम। बैठ मत ज्यादा, अम्मी से कैसे हो जाएगा? रुक जाओ मेरा आराम से दबा था। नहीं रुक जाओ, दबा था नहीं, कोई बात नहीं। सही से दबा, सही से दबा। हैं पिलर पिलर कर रहे हैं पंजे, सही से दबा दे। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। या अल्लाह बस तू मुझे बचा ले। कहां से लिया इकबाली से पकड़ के मेंटल को, यू तो मारे सर पे असली का आदमी बन के बैठ गया। देख पैर दबवाने की एक्टिंग तय नहीं हुई थी। कभी कवाल के तो दबाए ना, गैर मर्द के पैर दबाने पड़ रहे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कोठी खाली कर दो, मेरे पति का फोन आया है, कभी भी आ सकता है, किराया पूरा एक महीने का ही लूंगी। ओबे आराम से कर रही है, ढंग से दबा। ओबे मेरी जाने वन जाने वन हाय अल्लाह, हाय क्या हुआ? अरे कैसे गिर गए नीचे, क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा तेरी लौंडिया ने मुझे धक्का दिया, मेरा लात मारी। अब एक बात सुनो, मैं लात खाना है, नौकरी करना आया हूँ। नहीं नहीं अम्मी ये तो मजाक कर रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, हाथापाई में नीचे गिर गई है। अच्छा अच्छा तो जाओ अम्मी, थीक थीक कोई बात नहीं, मैं बाहर जाती हूँ। बंद करके बैठे रहो आराम से, उठो आओ ऊपर। आवा पैर दबा, पैर दबा पैर दबा। तू तो बहुत बड़ा बदतमीज है, एक बात सुन ले, तू तो अपनी औकात से बाहर जा रहा है और तुझे हम यहाँ नौकरी करने के लिए लाए हैं, तू अपनी नौकरी तक सीमित रह। अरे एक बात सुन ले, इतने पति हूँ, एक्टिंग में पति हूँ तो पति वाली बात बोल। हाँ और तू ये बताइए कल क्या, कल क्या है, कल कल क्या है, आज क्या है? जुमेरात है, कल कल जुम्मा है। जुम्मे के दिन किया था तूने ये वादा, कल जुम्मा है, जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा, जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा, कल जुम्मा है। ये क्या मुसीबत ले ली मैंने, जाली मुंह मारी है, मुंह मारेगी जाली है। देख लो जी देख लो, क्या कर रहा मेरा जी तो ऐसा कर रहा, साले का लठ पाड़ दूं जाके। फिर तुम्हारे मिशन का क्या होगा? अरे मिशन गया भाड़ में। यहाँ दोनों आदमी चौंस से चौंस मिला के बात कर रहे हो, अभी तक मुझे चाय नहीं दी और मेरे पान भी खत्म हो गए, इतनी देर से मैं कह रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दिया है? कब बोला था, कब बोला था? आई जवान लड़ा रही है हराम जादी है, अब बोल दिया ना, चल चाय बना के ला। तो क्या उधर को देख रहा है बार बार, चल अरे चलो, ये नौकर भी हराम है पूरे। हाय मेरी डार्लिंग, देख सेख चिल्ली के बच्चे, तू एक्टिंग कर मगर ओवर एक्टिंग मत कर, तनख्वाह लेनी या नहीं लेनी तुझे? मैं डार्लिंग मेरे परवा जा, मैं तनख्वाह की क्या जरूरत है, मुझे ना तनख्वाह की जरूरत। मालिक मैं तुक्का के बच्चे, बिल्कुल तुक्के पे आया, तुक्का लगने नहीं दिया, आजा। सेब लाया हूँ मालिक, सेब लाया ठीक है।
समझा लो, औकात से बाहर जा रही हूँ। ओए, ज्यादा बोलेगा तो काट दूंगा। काट देगा? हाँ। क्या काट देगा? पूरा काट दूंगा। पूरा काट देगा? हाँ। क्यों काट देगा पूरा? क्या काट देगा पूरा? पूरे हफ्ते का पैसा काट दूंगा। ओ, पैसा काट देगा? ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे तू कहेगा ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगा, जैसे तू कहेगा ऐसे करूंगा। अब आया ना लाइन पे, देख सिख चिल्ली, आज आज की तो बात है, कल सुबह अम्मी चली जाएंगी, अपनी तनख्वाह लेके अपने घर को चला जाइए। मैं वो तो बात ठीक है, तुझे अपनी बीवी ना मानू, तुझे अपना नौकर ना मानू, अगर तुम्हारी अम्मी को शक हो गया तो फिर क्या होगा बता? ये तो तू ठीक कह रहा है। अच्छा ठीक है, नौटंकी कुछ भी कर। नफीसा, क्या बदतमीजी है? तुम्हें कुछ ना पता, तुम जाओ जी, तुम नौकर हो, ये मालिक है, समझो। हाँ, जाओ। ठीक है, जाता हूँ। ठीक है ये सेव ले जा। ले जाओ। मैं निकल जा। डिस्टर्ब कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो? ठीक है, अब लौटेंगे दोनों। हाँ ठीक है, सो जाएंगे। हाँ लेट जा। लंबी हो गए, लेट लंबी हो गए मेरे दोहरे। पैर दबा दूँ अब तुम्हारे? ना ना, पैर तो बहुत दबा दिए। पूरा खून। कल जुम्मा है, कल जुम्मा है। हाँ हाँ, जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा। आए नहीं शेख जी, दो दिन में आने की कह रहे थे, इतने दिन और टाइम भी बहुत हो गया, पता नहीं कैसे नहीं आए अभी तक। शेख जी, शेख जी। भाईजान, तुम फिर आ गए, क्या हो गया? डरो मत, मैं तो ना नमाज के लिए लेना आया था। आने वाले होंगे, एक दो दिन का और टाइम बता रहे थे। मैंने तो उन्हें कोठी के बाहर बैठा देखा था, मजे ले रहा था एक औरत के साथ। हैं? पता ना क्या कह रहा था जाना। ठीक है भाईजान, जाओ। मैंने मना करी दूर दूर रहना, मगर ये आदमी माना नहीं। देखती हूँ मैं भी चल के क्या गुल खिला रहे हैं वहाँ पे। नफीसा, अम्मी सुबह चली जाएंगी। हाँ। और वो शेख का बच्चा कहाँ है? इतना बदतमीज भी ना है वो, मैंने उससे बात कर ली है, और जैसे अम्मी रात को सो जाएंगी तुम चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना, आराम से सो जाएंगे। देखो तुम्हारी अम्मी सुबह जाएगी या नहीं जाएगी, कह तो रही है जाने को। जाने आने की बात तो छोड़ो, अब ये बताओ सोएंगे कैसे कैसे? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, पहले उस शेख चिल्ली के बच्चे को बाहर निकाल घर में से। इतना बदतमीज भी ना है वो, मैंने उससे बात कर ली है, वो तो बेचारा पहले बरामदे में सोएगा। अब सबर आया। ये क्या हो रहा है? हैं? और तू तो इन नौकरों के साथ मुंह से मुंह मिलाकर बात कर रही है, हैं? आधी रात हो रही है, हैं? सोना नहीं है क्या? शर्म नहीं आ रही तुझे? कभी कभी तो मुझे तुम तीनों पर शक होता है। शक की क्या बात है अम्मी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक ना करूँ तो क्या करूँ, वो मेरा दामाद शेखू अपने कमरे में अकेला सो रहा है और तू इनके साथ बैठ के गुटरगू कर रही है। चल खड़े हो जल्दी, चल वहाँ अंदर, चल जल्दी। और तुम दोनों यहाँ बैठ कर बातें कर रहे हो, चलो तुम भी अपने कमरे में, चलो जाओ सो जाओ जल्दी। नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। या अल्लाह, कैसे लेटू मैं यहाँ पर, ये तो पूरे बेड पे लेटा हुआ है, इकबाल क्या सोचेंगे मेरे बारे में। चलो कोई नहीं, मजबूरी है, यही सो जाती हूँ।
क्या देख रहे हो? मैं कौन? क्या देख रहा? अरे रामजादे, रामजादे, यहाँ क्या देख रहा था? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। ये कौन है? राम के बच्चे वहाँ क्या देख रहा था? हैं? हैं? मैडम, क्या हो गया अम्मी? अरे तू यहाँ सो रहा है? इसे देख, तेरे कमरे में तांत झक कर रहा है ये नौकर, हैं? बता क्या देख रहा था? रामजादे? मेरे रोलिया के कमरे में ये ले, अभी तेरी लुगाई को बुला के लाती हूँ मैं। मुझे माफ कर दो, क्या हो रहा है? मैं तो चाय पीने के लिए आया था। शेख चिल्ली के बच्चे, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? तू इन्हें क्यों मार रहा है? पागल हो गया है तू? नौकर है नौकर, औकात में है अपनी। ओए हाँ, ओए तो मेरी गलती होगी, मैं तो नौकर हूँ। इसे तो मुझे मारना नहीं चाहिए, मुझे तुझे मारना चाहिए साली, तुझे मारना चाहिए साली। ओए साली, मार दो, गैर मर दो, कदर हो रही है साली, गैर मर दो को बुला रही है, अंदर बुला रही है ना, जान मर दो को बदतमीज। ए खड़ी हो फजीती, वो तेने अपना पति सरकारी सांड छोड़ रखा है, हैं? उसे देख। क्या हो गया? चल का तो देख, फजीती की बच्ची। जान से मार दो साली, हैं? साली जान से मार दो साली, जान से मार दो साली। देख, देख अपने खसम को देख ले, ये मेरे लोंडिया को तांग झाक कर रहा था। हराम के पिल्ले दूसरों की बीरवानियों को झाकता फिर रहा, देख ले खुद ही तो। शर्म नहीं है तुझे बिल्कुल भी? हराम जादे, हैं? अपने खसम तुझे को समझा नहीं है बिल्कुल भी? देखा, देखा अपने आदमी का तिरिया चरित्र। हाँ हाँ देख लिया, इसे हराम जादे को कई बार समझाया मैंने, नई लुगाइयों को देख के ऐसी जीभ काट ले। यही होगा, यही लिखा हुआ है, पता तो देखती हूँ। एक काम कर, लाइट जला और देख का इतनी रात को कौन आया है, जा जल्दी। अरे ये कल मुही हराम जादी, अरे तुझे शर्म ना आई? मेरे सेखू का इतना सारा माल, हाथी घोड़े गाड़ी सब कुछ है, तुझे क्या चाहिए था इस नौकर के साथ? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगी। कौन? आप कौन? बाजी लक्ष्मी निवासी यही है। हाँ जी बाजी, वो मेरे शेख जी आए थे, मेरे शोहर नौकर का काम करने के लिए। वो शेख चिल्ली? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे उसने तो हमारी दुर्गति कर रखी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बदतमीज है। आप उसे ले जाओ यहाँ से। ठीक है बाजी, आ जाओ। शेख जी, ये क्या है, क्या ड्रामा हो रहा है ये? अब ये कौन है इतनी रात को हमारे घर? हम बताएंगे, पहले ये बताओ ये कौन है तुम्हारा? ये मेरा दामाद है। और ये मेरे शौहर, और मैं इनकी बीवी, और मैं इनका नौकर हूँ, और मैं नौकरानी हूँ, और मैं रुखसाना। ये मेरे शौहर हैं शेख जी, एक भोले इंसान को नौकर बनाकर पति बनाते हुए शर्म नहीं आती? और तुम तो एक्टिंग की बात कर रहे थे, तुम यहाँ सच में शुरू हो गए क्या? रुखसाना तुझे पता मैं तो एक्टिंग करने आया, मुझे पूरे एक महीने के पैसे चाहिए, पर थोड़ी एक्टिंग ज्यादा हो गई। अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई अम्मी, ये मेरे शौहर नहीं अम्मी। है? अम्मी मैंने इसे पहले ही बोला था कि सच बता दे। इनके ड्रामे में मैं भी फंस गई, मालकिन से नौकरानी बन गई इनका साथ देने के लिए। हाँ अम्मी मेरे शौहर तो ये है। हाँ हाँ मैं इकबाल। क्या इसका मतलब मैं तुक्का को अपना दामाद समझू और इसे फजीती? हाँ अम्मी हमें माफ कर दो, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे,
मैंने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले, लेकिन फिर भी झूठ छुप नहीं पाया। अम्मी बेटे तो इतने बात पहले ही बता देती। अरे ये तो कितना भोला है, बहुत अच्छा लड़का है ये तो, मैं तो इसे अपना लेती। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुझे? ओए ये मान गई तो ठीक है, तो अब हम फिर मिलेंगे। देखा दोस्तों, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले, लेकिन झूठ छुप नहीं पाया।